नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यह स्टेशन किस लाइन पे मौजूद है वो, इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाले ट्रेन और यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है HWH, जिसे यूज करके यात्री कैसे भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन 1854 में हुआ था। इस रेलवे स्टेशन को ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है, जो कि हावड़ा डिवीजन में लगता है। यह रेलवे स्टेशन टर्मिनस टाइप का स्टेशन है, जिसका एलिवेशन यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई 12 मीटर है। इस रेलवे स्टेशन पे 23 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इस स्टेशन पे 7 ट्रेन रुकती हैं। 341 ट्रेन इस स्टेशन से अपनी जर्नी शुरू करती हैं और 334 ट्रेन इस स्टेशन पे अपनी जर्नी समाप्त करती हैं। यह रेलवे स्टेशन हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस स्टेशन का इतिहास यह कहता है कि क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी को काकोरी कांड में इस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जिनमें उनको आजीवन कारागार की सजा हुई थी। यह रेलवे स्टेशन भारत के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। अब बात करते हैं इस स्टेशन के लाइन के बारे में। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, हावड़ा बर्धमान मेन लाइन, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी लाइन, हावड़ा बर्धमान ग्रांड कॉर्ड लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, हावड़ा नागपुर अहमदाबाद लाइन, हावड़ा अहलाबाद मुंबई लाइन और हावड़ा गया दिल्ली लाइन पे मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल का एक अहम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से भारत देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है, जैसे कि मुंबई, पुणे, पुरी, कामाख्या, बेंगलुरु, पटना, बीकानेर, न्यू दिल्ली, यशवंतपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोपाल, रांची, भुवनेश्वर, न्यू जलपाईगुड़ी, साईनगर शिरडी, श्री सत्य साई प्रशांति नगर, एर्नाकुलम, मालडा टाउन, कन्याकुमारी, मैसूरु, ग्वालियर, मथुरा, आगरा कैंटनमेंट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, बाड़मेर, अमृतसर, गया, देहरादून, कटिहार, रक्सौल, जोधपुर, पांडिचेरी, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे कई शहरों के लिए यहाँ से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने वाली ट्रेनों के बारे में, जिनमें राजधानी की 2 ट्रेन, शताब्दी की 2 ट्रेन, जन शताब्दी की 3 ट्रेन, मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट की 34 ट्रेन, एसी सुपरफास्ट की 1 ट्रेन, पैसेंजर की 2 ट्रेन, मेमू की 2 ट्रेन, एमू कोलकाता ट्रेन 232, दुरंतो की 4 ट्रेन, सुपरफास्ट की 46 ट्रेन, हम सफ़र की 2 ट्रेन और अंत्योदया की 1 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती हैं। यह कुछ मेजर ट्रेन थी जो कि इस रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होती हैं। अब बात करते हैं नज़दीकी एयरपोर्ट और नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में। इस रेलवे स्टेशन से नज़दीकी एयरपोर्ट कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगता है, जो कि 14 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद है। अब बात करते हैं नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में। नज़दीकी रेलवे स्टेशन बारा बाजार लगता है, जो कि 1 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद है। इसके अलावा ईडन गार्डन 2 किलोमीटर, सोवा बाजार अहिरी तोला 2 किलोमीटर, प्रिंसेप घाट 3 किलोमीटर, सिलदा 4 किलोमीटर, बाग बाजार 4 किलोमीटर, दस नगर 4 किलोमीटर और बेलिया घाट 4 किलोमीटर के दूरी पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं इस स्टेशन पे यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में, जिनमें फ्री वाईफाई, रिटायरिंग रूम, पार्किंग, डिस्प्ले गाइडलाइन, वॉइस गाइडलाइन, कोच गाइडलाइन, टॉयलेट, वेटिंग रूम, ड्रिंकिंग वाटर, व्हील चेयर, सीटिंग चेयर, हुड, टी स्टॉल,
टिकट रिजर्वेशन काउंटर, रिटायरिंग रूम जैसी कई सुविधाएं इस स्टेशन पे दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।